बड़ी खबर के साथ, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर सेना का प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में तीसरा आतंकवादी ढेर हुआ है। सेना को बड़ी कामयाबी मिली है, आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं। कुलगांव में तीसरा आतंकवादी मुठभेड़ के दौरान ढेर हुआ है। इससे पहले दो आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सोमवार से ही लगातार ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मुठभेड़ जारी है। कुलगांव में एक और बड़ी सफलता सेना को मिली है, जहां आतंकवादियों के ठिकाने को क्षतिग्रस्त किया गया। इसके साथ ही एक और आतंकवादी ढेर हुआ है। कुल मिलाकर ये तीसरा आतंकी मारा गया है। प्रचंड प्रहार आतंकवाद पर किया जा रहा है। घाटी में फिर से शांति बहाल करने के लिए सेना मुस्तैद है। अजय जांडियाल सीनियर कुलीग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, कुलगांव में लगातार जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक और आतंकवादी ढेर हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। आतंकवादियों के ठिकाने भी क्षतिग्रस्त किए गए हैं। क्या अभी और भी आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है? क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? देखिए, लगातार तीसरे दिन जो है आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी था और आखिरकार तीसरा आतंकी जिसका शव अंदर जो है मलबे में था वो छुपा हुआ था, तो उसके बाद जो है सुरक्षा बलों ने कल एक बार फिर से जब ऑपरेशन को चलाया तो वहां पर पहले आतंकी जख्मी था और उसने अचानक से सुरक्षा बलों पर फायरिंग की और कड़ी गोलीबारी में एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने सफलता हासिल की और तीसरे आतंकी को भी मार गिराया है। मोमी नाम का ये आतंकी जो है लगातार कश्मीर में जो है आपको बता दूं कि लगातार वहां पर नए लड़कों को रिक्रूट करना और वहां पर आतंकी गतिविधियों को तेज करना इस सब चीजों में लगा हुआ था, मगर सुरक्षा बलों को जैसे ही तीन दिन पहले जानकारी मिली कि ये इस रेजवानी एरिया के एक घर में छुपे हुए हैं, उसके बाद तुरंत जो है वहां पर मोर्चा संभाला सुरक्षा बलों ने और मुठभेड़ शुरू हुई और कल आखिरकार तीसरे दिन इस तीसरे आतंकी को मार गिराने में सफलता मिली है। किसी तरह का कोई नुकसान ना सिविलियंस का ना सुरक्षा बलों का हुआ है, तो सबसे बेहतरीन ऑपरेशन इसे माना जाएगा। वहीं अगर आपको बता दूं कि लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक पर जो प्रहार सुरक्षा बलों ने किया है उसी की वजह से देखें तो कश्मीर में लगातार आतंकवाद कम हुआ है और जम्मू में भी इसी तरह से लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है वो जारी है ताकि आतंकियों का सफाया हो सके। ठीक है।